नमस्कार, मैं हूँ पुनीत शर्मा और आप सभी लोगों का सस्नेह धन्यवाद आभार। आप लोगों ने गॉड ग्रेस टीवी को सराहा। आप सब लोग इस तरह के वीडियोस और अपडेट्स को देखते रह पाए, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए गॉड ग्रेस टीवी और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। और आपके जो सुझाव होंगे वो तहे दिल से हम स्वीकार करते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने वीडियोस जो हैं वो बनाते हैं। माँ कात्यायनी भगवती माँ के नवदुर्गा में ऊर्जा साधना के आज हम छठे पड़ाव पे हैं। आज माँ कात्यायनी के रूप की चर्चा करेंगे। माँ कात्यायनी हमारे आज्ञा चक्र को नियंत्रित करती हैं और आज्ञा चक्र के ऊपर आज हम साधना करेंगे। बेसिक जो इनकी स्टोरी है वो ये है कि माँ कात्यायनी कात्या ऋषि के आग्रह पे कि माँ भगवती उनके घर पे जन्म लें, घनघोर परिस्थितियों में भी और घोर संकटों के बीच जो ऋषि कात्या थे उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के फलस्वरूप माँ कात्यायनी उनके घर में प्रकट हुई और पुत्री के रूप में जन्म लिया। माँ कात्यायनी का रूप चार भुजाएं और तीन नेत्रों का है, इसलिए माँ कात्यायनी के जाप मंत्र में क्लीं त्रिनेत्राय नमः मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मम की ध्वनि आगे चक्र को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान करती है, इसीलिए ओम की जो ध्वनि है इसे ही हम साधना में आज इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे। और आगे चक्र का जो कलर है उसकी अगर हम बात करें तो ये कलर पर्पल कलर का आगे चक्र जो है ये हम लोगों के ब्रो और के बीच में स्थित है, इस जगह पे ध्यान लगाया जाता है। और क्योंकि आगे चक्र का संबंध हमारे सबकॉन्शियस और हम लोगों का जो जो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, दिखाता है, इसीलिए आगे चक्र की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आज हम ध्यान साधना जो है थोड़ा सा 10 मिनट्स के बजाय कम से कम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट तक हम अपने अपने स्थान के ऊपर जरूर बैठें। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस समय आपने अपना ध्यान जो केंद्रित करना है वो इस जगह पे करना है, ब्रो में करना है और यहाँ पे आपने लाइट पर्पल की एनर्जीज को इनवाइट करना है और उसी के ऊपर फोकस करना है। और आहिस्ता आहिस्ता आगे चक्र जो है ये क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के साथ हमारे जुड़ा हुआ है तो ये हमारी एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जुड़ा होने की वजह से हम लोगों की जो कॉन्सेप्ट्स के लिए क्लैरिटी है और साथ साथ में हम लोगों के लाइफ के अंदर जो मानसिक और बौद्धिक विकास है उसकी क्षमताओं को ये डेवलप करता है, इसीलिए इसका स्पष्ट होना हम लोगों के अंदर जो एक एनालिटिकल अप्रोच होती है, हम अपने बारे में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, हम किस तरह से अपने आप को लाइफ में प्रेजेंट करते हैं, हमारे परसेप्शंस क्या हैं, उनकी जो क्लैरिटी है वो इसी चक्र से रूल करती है। जितने भी इंट्यूटिव पावर मेडिटेटिव पावर्स हैं वो इसी चक्र से नियंत्रित की जाती हैं, प्रभावित होती हैं, इसीलिए इसका जो फूड है और अगर हम इसे इमिजिएटली एनर्जाइज करना चाहते हैं तो मेडिटेशन से अच्छा कोई भी फूड इसके लिए नहीं है। अगर आप इन जनरल पर्पल कलर के जो ग्रेप्स होते हैं, ब्लूबेरीज हैं, पर्पल केल है और इन चीज़ों को, एवोकाडो है, इन चीज़ों को अपने फूड हैबिट्स के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तब भी आप इस चक्र को बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे देते हैं। इससे फूड जो है ये भी हमारी जो नियमित दिनचर्या में जो कमी होती है जिन चक्रस को सप्लीमेंट जिस तरह का चाहिए उन्हें ये पहुंचा देते हैं ताकि वहाँ की ऊर्जाएं नियंत्रित हो सकें। अब हम बात करेंगे माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी जो है ये हमें मोक्ष भी दिलाती है और हमारा जो इस संसार से और बाहरी जो ब्रह्मांड है उसके साथ वो कनेक्ट को स्थापित करती है और मोक्ष प्रदायिनी माँ। और जितना भी ज़्यादा हम लोगों को लाइफ में अध्यात्म में जो एक इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको साधने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा से ही हमें अपनी भक्ति, अपनी साधनाओं को एक बल मिलता है, एक दिशा मिलती है, इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा से आज के दिन हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अपना सबकॉन्शियस है, अपने बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी एनर्जीज को क्लीन कर पाएंगे। माँ कात्यायनी के चरणों में नमन करते हुए माँ के समक्ष आप बैठ जाइए। आपका आज आपको एमेथिस्ट अगर आपके घर के अंदर हैं तो आप उन्हें अपने हाथों में जरूर पकड़ लें। एमेथिस्ट को अपने हाथ में होल्ड करने के बाद अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो साधनाओं में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और शीघ्र आप अपने साधक बन जाएंगे।
कॉन्शियसनेस एंड हायर कॉन्शियसनेस के इस कनेक्ट को यही चक्र निर्धारित करता है। तो आज इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमें जो अफर्मेशंस लिखनी है उसमें हमें अपने आप को अनफोल्ड करना है, अपने बारे में लिखना है, अपनी ड्रीम्स अपनी एस्पिरेशंस के बारे में लिखना है। और जो एंगर हम लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दे देता है या हम लोगों की लाइफ में अवरोध पैदा कर देता है, उस गुस्से को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने एंगर को पॉजिटिवली यूज़ करें, ये चीज़ों की जो एक टेक्निक है इसके ऊपर आज हमें वर्क करना है। और ये जो कार्य है ये हम अपनी मेहनत से अफर्मेशंस के थ्रू कर सकते हैं। हमें लिखना है कि आई एम गोइंग टू अनफोल्ड द ब्यूटी एंड ट्रूथ ऑफ माई सेल्फ। तो ये जो एक पॉजिटिव अफर्मेशन है इसे आपने पर्पल कलर के पेन इंक से या ब्लू इंक से आपने प्लेन पेपर के ऊपर अफर्मेशंस को लिखना है। टाइम आप अपना आप फ्री होके जब भी आपके पास में समय हो तब आप बैठ जाइए और इसे लिखिए। और जितना ज़्यादा आप लिख सकते हैं कोशिश कीजिए कि कम से कम आप मिनिमम 11 पेज जरूर लिखें और एक पेज के ऊपर आपने 28 टाइम्स लिखना है। ये जो अफर्मेशंस हैं इनको बाद में आपने नेक्स्ट डे जो होता है इसको जला दो, जला के ऐशेज को हवा में उड़ा दें। इस तरह से यूनिवर्स को आपका एक मैसेज चला जाता है और वो मैसेज कबूल हो जाता है। उसके बाद में आपको ब्लेसिंग्स की फॉर्म में अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम साधनाओं की बात करेंगे तो मेडिटेशन हमेशा इसी पॉइंट के ऊपर और इसी जगह पे की जाती है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे जब हम विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि हमें कुछ भी दिखाई ना दे, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वाइट लाइट और हल्की सी पर्पल जो आभा है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो आप इनर कॉन्शियसनेस को आउटर कॉन्शियसनेस के साथ आपकी जो सब कॉन्शियस है उसको आप कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट कर लेते हो और आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाते हो। उस समय आपको ट्रुथ जो है वो रिवील होने शुरू हो जाते हैं, आपको समझ आने लग पड़ता है कि किस पर्पस के लिए आपका ये बर्थ हुआ है और आपको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, किस तरीके की पॉजिटिव जो एक्टिविटीज़ हैं आपको डेली रूटीन में करनी है, ये सब आपको क्लियर होना शुरू हो जाता है। अब माँ कात्यायनी की चर्चा करते हैं। माँ कात्यायनी को प्रिय क्या है? भोग में माँ कात्यायनी के लिए आपको आज खीर बनानी है और खीर के अंदर किशमिश जरूर डालिएगा। किशमिश का खीर के अंदर जो भोग माँ को लगता है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। और साथ साथ में जितने भी फल जो पर्पल कलर के होते हैं जैसे कि पर्पल ग्रेप्स हैं और साथ में ब्लूबेरीज हैं, ये आप माँ को भोग में लगा सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें आपके पास में नहीं है तो आप माँ को खीर का प्रसाद चढ़ाइए। और सबसे माँ जो भूखी है वो भाव की है, श्रद्धा की है, प्यार की है। तो आप लोगों का जो प्यार है, जो आपकी श्रद्धा है, जो निष्ठा है, उसी के साथ आप माँ की आरती कीजिए, माँ के चरणों में अपना समय व्यतीत कीजिए। और माँ जो है ये आरोग्य भी देती हैं, इसलिए आज जब कोरोना वायरस जैसी डिजीज़ है तो उसके लिए भी आप प्रार्थनाएं कीजिए ताकि पूरे विश्व को इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा मिले और आप एक नॉर्मल रूटीन में अपनी दिनचर्याओं को सुचारू कर पाएं। इसी कामनाओं के साथ मैं चाहूँगी कि आज की जो साधना का समय जब मैं बैठूँगी, अगर आप मेरे साथ बैठना चाहते हैं तो अपने अपने स्पेस में आज शाम को 7:30 पर आप जरूर बैठिएगा। उस समय मैं आपको एनर्जीज और ब्लेसिंग सेंड करूंगी, रिसीव आपने खुद करनी है। और आपका जो ध्यान है वो आगे चक्र के ऊपर दोनों ब्रो के बीच में यहाँ पे आपने इसको स्थित करना है। इससे आपकी इंट्यूटिव पावर्स जो हैं वो बढ़ेंगी, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास आपके लिए मार्ग जो हैं प्रशस्त हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और जो आपका एंगर है उसको आप राइट डायरेक्शन में यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि गुस्से को अगर आप ये सोचें कि हमेशा नकारात्मक होता है तो वो सोच आपकी गलत है, क्योंकि माँ कात्यायनी इसी चीज़ का पर्याय है कि जो गुस्सा है, जो जब वो उनका उद्भव हुआ था, उनकी जब उन्होंने प्रकट हुई थी उस समय में दैत्य और देव दोनों के ही गुस्से से बन के माँ कात्यायनी का रूप प्रकट हुआ है। तो इसको अगर आप पॉजिटिव यूज़ करेंगे एंगर को तो ये पॉजिटिविटी ही देता है, नेगेटिव यूज़ करेंगे तो ये डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। तो आपने अपने आप चूज़ करना है कि आपने अपनी लाइफ को किस तरह के डायरेक्शंस देने हैं। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ विराम लेती हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।